निर्गुण भक्त। नामदेव जी दक्षिण भारत के संत, बहुत अच्छे विठल भगवान की पूजा अर्चना करते थे, विठल भगवान नामदेव से बात करते थे। तो एक बार भगवान विठल से नामदेव ने शिकायत की, क्या कि भगवान तुम्हारा नाम है दीन वत्सल दीन बंधु, लेकिन तुम्हारे जितने भक्त हैं सब कंगाल हैं, गरीब हैं, भूखों मर रहे हैं, और अपने नाम को आप सार्थक क्यों नहीं कर ले। बोले हमारा कौन भक्त भूखों मर रहा है? अरे बोले ऐसे ऐसे गरीब भक्त हैं जो अगर दिन में काम न करें और काम कर न करें तो अन्न नहीं उनको मिले। कौन है भक्त? मैं तो सबको सब कुछ देता हूँ, भगवान ने कहा। बोले देखो वो दो पति पत्नी है जिनका नाम है राका भांका, पूरा दिन काम करते हैं, जंगल को जाते हैं, लकड़ी काटते हैं, लकड़ी काट करके बाजार में बेचते हैं, बाजार से अन्न लाते हैं, तब बनाते हैं, सबसे पहले आपको भोग लगाते हैं, कोई संत महात्मा आता है उसे पवाते हैं, तब वो पाते हैं। इतने गरीब है, इन्हें देते क्यों नहीं कुछ? भगवान ने कहा मैं तो देता हूँ, वो लेते नहीं। नामदेव ने कहा वाह आप देंगे वो लेते नहीं? बोले हाँ हम तो देते हैं वो लेते नहीं। बोले मैं नहीं मानूंगा, आप देंगे वो नहीं लेंगे? बोले हाँ वो ऐसे हमारे भक्त हैं। तो कहने लगे चलो हम ऐसे नहीं मानेंगे। तो राका भांगा जिस जंगल को जा रहे थे, भगवान विठल नामदेव के साथ में आए, तो सोने की असर भी बिखेर दी रास्ते में। राका आगे आ रहा था, भांगा यानी उसकी पत्नी पीछे आ रही थी। राका ने देखा कि ये तो स्वर्ण मुद्राएं पड़ी, हीरा जवाहरात पड़े हैं। तो राका ने सोचा कि हमारी पत्नी का कहीं मन न बिगड़ जाए इसे देख करके, क्योंकि गरीबी है, कहीं मन खराब हो जाए, अगर मन खराब हो गया तो भक्ति नहीं बनेगी। दुखी बेचारा मिट्टी उठा उठा करके राका उस हीरा जवाहरात के ऊपर, स्वर्ण मुद्राओं के ऊपर डालने लगा। तब तक देवी आ गई पीछे से। देवी ने क्या कहा? अरे स्वामी जी मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हो? मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हो? धन पर आओ इस देवी से भारी। अरे पराया धन है, जैसे माटी ये है वैसे माटी वो। भगवान ने कहा नामदेव देखो जो धन को इतना दूषित मानते हैं कि जिनके कहते हैं कि बताओ ये भी मिट्टी वो भी मिट्टी, पराया धन नहीं दे, इनको क्या दे हम? कहने लगे चलो कोई बात नहीं, धन नहीं दिया तो चलो मदद करें चल करके। नामदेव गए भगवान को लेकर। भगवान ने योग माया के द्वारा जितनी जंगल में लकड़ियां थी सब लकड़ियां तोड़वा ली, गट्ठर बनवा करके रख दी। जाएंगे लकड़ी लेकर के जाएंगे, बेचेंगे और जाएंगे, काम नहीं करना पड़ेगा। राका माता ने पूरा जंगल देखा, पूरे जंगल में कहीं लकड़ी नहीं। राका ने कहा लगता है दीदी आज हम लोगों को पानी ही पी करके रहना पड़ेगा। बांका ने कहा स्वामी आपने रास्ते में धन देख लिया था, उस दूषित धन का ये प्रभाव है कि हमको आज आने नहीं मिलेगा, जलाहार करना पड़ेगा। नामदेव से भगवान कहने लगे बताओ मैं इनको क्या दूं, लेते नहीं। राका ने कहा ये लकड़ी किसी ने काट के रखी है, पराई लकड़ी हो गई, मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। भगवान कहते हैं ऐसे जो भक्त हैं, भगवान कहते नामदेव से जो ऐसे भक्त हैं इनके लिए उद्धव से भगवान ने एका स्कंद में कहा है न तथा में प्रियतमा आत्मयोनिर, ऐसे भक्तों से हमको अपने बेटा जो ब्रह्मा है वो प्यारे नहीं, इतने ये वो प्यारे भक्त हैं जो हमसे कुछ मांगते नहीं है। न तथा में आत्म न तथा में न तथा प्रियतमा आत्मयोनिर न शंकर, न शंकर हमको भी है न ब्रह्मा, न शंकर सणो
न हमारे बड़े भैया बलराम दिए हैं, न श्री, न तो हमारे धर्म पत्नी रुक्मिणी हमको इतनी प्रिय है। इतनी बोले यथा भवान, जो निष्काम भक्त है हमको इतने प्यारे हैं, निर्गुण भक्त हमको इतने प्यारे हैं कि जब वो चलते हैं तब उनके पीछे पीछे मैं चलता हूँ। क्यों? उनके जो पैरों से जो धूल उड़े वो मैं अपने ऊपर अवशोभित करता हूँ और अपने पुंडरीकाक्ष नाम को सार्थक करता हूँ। तो भगवान को भी जो पवित्र कर दे वो भक्त होते हैं निर्गुण, मानते कभी किसी से। एक भक्त था दक्षिण भारत का, उसने कहा प्रभु अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो कुछ न देना तुम मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। अगर हमने तुमसे कुछ मांग लिया पूजा करने के बाद तो फिर आशिक कहाँ रहा? आशिक किसे कहा जाता है? प्रेमी को। हम तुमसे प्रेम करें तुम हमसे प्रेम करो, ये तो प्रेम है। लेकिन हमने तुमसे प्रेम किया, तुम्हारी पूजा अर्चना की बात में कुछ मांग लिया, आशिकी कहाँ रह गई? प्रेम कहाँ रह गया? व्यापार हो गया भाई। मजदूर नहीं आते, मजदूरी करते हैं, पैसा लेते हैं चले जाते हैं, मजदूरी हो गई। हमने तुम्हारे साथ में पूजा अर्चना की, मांग लिया, मजदूरी हो गई। कहता था अगर कुछ मांगू तुमसे तो कुछ देना तुम मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा। ऐसे भगवान के भक्त ये निर्गुण होते हैं। तो मैया ने पूछा कि कथा किसे सुननी चाहिए? तो बताया कथा के लिए सदा प्रसंगान मंदिर संगीरो कर्ण रसायना कथा। जिसके भीतर सज्जनता हो कथा उसी से सुननी चाहिए, जो सज्जन हो। क्योंकि ये जो है रसायन, रसायन है, और ये रसायन कैसा है? जो जन्म जो जन्म जन्मांतर के कल्पांतरों के पापों को नष्ट कर देने वाला है, भोरों को नष्ट करने वाला है। ये संतों से सुना जाए, संत कहते सज्जन, सज्जन को दुर्जन किसे कहा जाता है? दुर्जन सज्जन में फर्क क्या है? कभी कभी लोग इतना प्रेम दिखाते हैं, इतना प्रेम दिखाते हैं, लेकिन उनके साथ में अगर कभी तुमसे कुछ बुरा हो जाए ना तो फिर समझ लीजिए